बाद आदरणीय भैया सत्तो शास्त्री जी के लिए, अरे अपना तो माल और दूसरे का सब गोलमाल गोलमाल। एक टुकड़ा दिया था मैंने, हाँ टुकड़ा, या कि चोली में ते दो निकरे, मैंने तुमको साफ बताया, और मेरे एक या पजम्मा में ते निकरो तो तीन का अंक बनाया, वो तीनों घुस गए साया में, कोई भेद जान नहीं पाया, मगर कोई जवाब नहीं। हाँ मोए तो ऐसा लगे तेने कथा जो पढ़ी है अब तक घूरन पे बैठ के पढ़ी है। हाँ हाँ आया ना जवाब, तीनों लटक गए सत्य के खंभा थे। जे शास्त्री भास्त्री का चूना, ये तो नाम पे भैया बिल्कुल कलंक है। कोई बात नहीं, इनको नॉलेज नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने देगी कॉलेज नहीं। अपना बदलवे कुतु ये वंश मांग रही है, और मैं कैसे तो कू दे दूं, तू मेरो अंश मांग रही है। वंश में अगर ये दोंगो तो कू ये ही नाम ये चलावे, और ये मैं कैसे अंश ये आज मैं तो ये दे दूं, ये तो काम अवध के आवे, मगर एक लाइन पर लाइन लिख नहीं सके। अरे क्या मतलब है, उनका काम है। अच्छा हाँ गांव है भैया, दे दे ना दे बाबू का है। छोड़िए दूसरा राउंड है, देखेंगे जो कुछ उन्होंने गाया है, दो गीत गाए उनका हमारी तरफ से देखेंगे जवाब, और हम आपके आनंद का भी ख्याल रखेंगे। हाँ जी मां साहब, के रसिया बाजी का नहीं हकीकत बात है। अरे तुम रसिया बाजी छोड़ते और काऊ खेत में खोदो कासे, अरे पत पत्नी के ये बिना भूल गए
फंस गयो खुद फंदा में जाके, फंस गयो खुद फंदा में जाके, रे फंस गयो खुद फंदा में जाके, पकने पतली समझ तेरी ना आई है, समझ तेरी ना आई है, अरे बंद छंद तेरे नंबर पे और अब तू रहो बच आई है। पंजाब चली जाऊंगी, गुजरात चली जाऊंगी, बजाऊंगी इसे। कामना कर दूंगा। हाँ साहब सलीम बाबा, आज दंगल कैसा हो गया है? हमारे सीपी शर्मा गुरु के पास में एक शिष्य आया चेला बनने के लिए। बन गुरु में रसिया गानो चाहूं। बन बेटा रसिया गानो चाहे तू? बन कंजो बता, आज ते पहले तेने कछु गाए हो? बन हाँ गुरु बहुत गाए हो मैंने। बन तुम वो कछु गा के बता, भूसा गावे लग गो। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। बान बेटा जी धुन तो मैंने सुनिए, अब कोई और सुना। बन और सुनाऊं गुरु? बन और सुना। अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा,
बन सुन जा, तू तो बहुत ज्यादा विद्वान है भैया, होशियार है। स्टार्टिंग के दौर में धुन गाई, अरे पंजाब चली जाऊंगी, और दूसरे राउंड में वो धुन, अरे पंजाब चली जाऊंगी और गुजरात चली जाऊंगी, अरे हर जगह चली जाऊंगी पर वहां नहीं जाऊंगी। चढ़ती जवानी मेरी नदिया बनाएगी, चढ़ती जवानी हो राजा, चढ़ती जवानी हो राजा, नदिया उड़ाएगी। न जाऊंगी बिहार यूपी, रसियाबाजी का मतलब वहीं चलो। जब एक नंबर में एक धुन हो जाए तो वो दूसरे नंबर में नहीं होती है। हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ उसमें होता है, चेंजपन होता है। मगर गायक वही है, गोरे गोरे मुकड़े पे काला चश्मा। उधर से गीत आया, भैया ने कहा कौन सा, अरे साढ़े तीन हाथ को है, जे साढ़े तीन हाथ को है कैसे पौने चार भाई, साढ़े तीन हाथ को है कैसे पौने चार भरो, कैसे पौने चार भरो, और नर से नर पैदा रघुकुल में यार भयो, नर से नर ये पैदा रघुकुल में यार भयो, तो अरे बेटा जो फूलो जाको मची तो बदैया, बलम है करब से या की फल तो लो भैया है, यानी बलम तो करब ते और बाकी ये ठल तो लो भैया है। अब कहना क्या है, ए! अरे खुल, अरे खुल्लम खुल्ला यहाँ पे, ये खुल्लम खुल्ला यहाँ पे, ये खुल्लम खुल्ला यहाँ पे, अरे खुल्लम खुल्ला यहाँ पे, अरे लेखन को सार भयो, के खुल्लम खुल्ला यहाँ पे और लेखन को सार भयो, और युवनाश के मानधाता, युवनाश के मानधाता, अरे नवाय के नार भयो, युवनाश के मानधाता ये नवाय के नार भयो, तो अरे प्रश्न तेरा खोला तू कितना, प्रश्न तेरा खोला तू कितना, बनताल खैया है, के प्रश्न तेरा खोला कितना, बनताल खैया है, प्रश्न तेरा खोला तू कितना, बनताल खैया है, अरे प्रश्न तेरा खोला तू कितना, बनताल खैया है, और बाप तेरो चच्चा है गई ठल तेरी मैया।
एक गीत गाया भैया ने, ये क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं। उसोर बजावा साहब साहब सत्तो शास्त्री जी, आप एक गलती कर गए हो जो हमारे गुरु तुमसे पूछ रहे हैं, गलती का जवाब दो पहले तो आके। हाँ, फैसला बिल्कुल निष्पक्ष होगा। हाँ साहब, गलती क्या कर गए हैं इनको बताओ। करी पे ब्याह कर लो, ब्याह पे तो ब्याह करो, मैं दोबारा ब्याह करूँ ना राजा रघु को। संतोष माफ कर देगा पर जनता माफ नहीं करेगी। क्यों? कि जनता जनार्दन का फैसला, भारत के ये पीएम को मान्य होता है, हमारी तुम्हारी कोई चौकात नहीं है। छोरी और बच्चे हैं दोनों ही, आपसे ही सीख रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। गया फिर दुनिया भर। और कोई भी गलती मेरा बड़ा भाई कर गया है तो मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूँ। जगवीर डॉक्टर साहब की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। उधर से गीत आया कि माँ कुंती गई, माँ कुंती गई ये कर्ण के पास में, तो कर्ण ने कहा कि हे माँ कुंती,
क्या तुम्हें पता है ओ मैया, अरे क्या तुम्हें पता है ओ मैया, और तेरा तेरे को मारेगा। क्या तुम्हें पता है ए मैया, तेरा तेरे को मारेगा। और करण कहने लगा कुंती से, अरे कल युद्ध होए रण भूमि में, अरे कल युद्ध होए रण भूमि में, अरे वहां को जीते को क्या बात है, और जवाब की उम्मीद की मेरे भाई ने मुझसे के, और कहा कि ये कुंती का जवाब कहना है करण के लिए, क्या कहेगी। आपके आशीर्वाद से मैंने कोशिश की है जवाब लिखने की। बिल्कुल, ये कुंती कहने लगी, बाबा सलीम दे, अरे क्या तुझे पता है ओ बेटा, तुझे पता है ओ बेटा, हाजी मुकेश पंडित, अरे क्या तुझे पता है ओ बेटा, वो ईश्वर फंदा डारे, बिल्कुल हकीकत, वो ईश्वर फंदा डारेगा। अरे होए जीत धर्म की एक तरफा, हो जीत धर्म की एक तरफा, वहां देखो अधर्म। मुझको दूध नहीं पिलाया तो तू मेरी माँ कैसे हो गई, माँ कैसे हो गई, तो कहना है अरे सुन के बात मैं तेरी करण, अरे सुन के बात मैं तेरी करण, दुख हुई ये मन में भारी थी ओ, पिलाना, अरे आंचल से दूध ये पिलाना सकी, ये मुझको भी लाचारी थी, आंचल से दूध पिला सकी ये मुझको भी लाचारी थी, आंचल से दूध ना पिला सकी ये मुझको भी लाचारी। बेटे करण, अगर तू मर गया तो भी कुंती का करण मर गया, और अर्जुन मर गया तो भी कुंती का अर्जुन मर गया। अरे दोनों दोनों के
दोनों में खून गर्जा मेरा क्या वक्त ये जुलम गुजारेगा दोनों में खून गर्जा मेरा क्या वक्त ये जुलम गुजारेगा अरे होए जीत धर्म की एक तरफा अरे होए जीत धर्म की एक तरफा वहां देखो करण से हाँ। जो होना है वो हो जाएगा अरे जो होना है वो हो जाएगा अरे तू क्यों करे परे था है जो होना था वो हो जाएगा तू क्यों करे परे था है और मेटे से नहीं ये मिट सकता जो किस्मत का लेखा है मेटे से नहीं ये मिट सकता जो कर्मों का लेखा है तो जिसके रक्षक वहां मनमोहन जिसके जिसके रक्षक हो सदा के संग अरे वो ही प्राण को पारेगा अरे होए जीत धर्म की एक तरफा अरे वहां देखो आशीर्वाद आदरणीय मुख्तार सिंह जी की ओर से आता है आशीर्वाद की कामना करेंगे या काट का छानो सायल तेरा हमने लड़ाया है में मेरे सीपी सरकार
सब बराबर हुआ और एक नया गीत रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ साहब सलीम बाबा और माँ साहब धुन बजाओ कि हार गया दिल फरियाद करके और हम रो रहे हैं उन्हें याद करके। फिल्म सौगन से और हार गया दिल फरियाद करके, हार गया दिल फरियाद करके। कौशिक जी दो चार बात गीत हो जाए उसको हर कोई गा देता है, मगर नई धुन नए गीत की पेशकश हर कोई नहीं जानता है। 101 रुपए का आशीर्वाद आया है आदरणीय जगवीर जी हमारे जो यानी कि डॉक्टर साहब हैं उनकी तरफ से आशीर्वाद की कामना करेंगे। गीत आया फिल्म सौगंध में, हार गया दिल फरियाद करके हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं उन्हें याद करके। किसी व्यक्ति ने देखी है और दोष लगा देते हैं रानी केकई को कि रानी केकई ने बेटा राम के साथ में बुरा किया, रानी केकई ने राम के साथ में बुरा किया मगर बुरा नहीं किया। राम के राज तिलक की घोषणा हुई राजा दशरथ के द्वारा कि सुबह यानी अवध का राजा नियुक्त किया जाएगा और वो राम को ही राजा नियुक्त किया जाएगा। ये खबर रानी केकई के कानों में गई, रानी को बहुत दुख हुआ, माने कि ये तो मेरे राम के साथ में बहुत गलत हो रहा है। वो गलत क्या हो रहा है, राम को खबर हुआ कि रानी केकई नाराज हो गई है। राम रानी केकई के पास में गए कि हे माता, आपके प्रिय बेटा राम का सुबह राज तिलक होगा मगर आपके ये मन में ऐसा ख्याल क्यों आया है, ये ऐसी उदासी क्यों आई। बन बेटा जो हकीकत बात है वो अभी आपको मालूम नहीं है। क्यों बनकमा, हकीकत क्या है, हकीकत क्या है बन, हकीकत हकीकत सुनो। हो
लिखित आधार है। क्या बात है बड़े भैया, जो भी कुछ सीखा है आप जैसे बड़े लोगों से ही सीखा है। के लेख लिखित आधार है, छाटा लेखों से ले के देख लेख लिखित आधार है, लेख लिखित आधार है और छाटा लेखों से ले के छाटा लेखों से लेख और लेख लिखैया तू लेख कोने आंख खोल के, लेख लिखैया लेख कोने आंख खोल के दे। बेटा राम मैं नाराज क्यों, राज तिलक होगा खुशी है मगर वो राज तिलक नहीं है, असली राज तिलक नहीं है। अगर मेरे बेटे का असली राज तिलक होता तो मुझको खुशी होती। हाँ जी शास्त्री जी कहना है दे। ना हो ना बिकल, ना हो ना बिकल, अरे ना हो ना बिकल, हमें नाज कैसे हो। और राज तिलक तो जब होगा बिना ताज के शुभ है, बिना ताज के शुभ है, राज कैसे हो। सीपी शर्मा की अदा रही है कि जो बातें यूट्यूब पे आ चुकी हैं पहले, या एसबीबी स्टूडियो या मूला हो या डीके लाइव पॉइंट हो, जहां भी जंगल होता है बात नहीं छोड़ के जाते हैं। रानी कह गई, कह रही पंडित जी और आपका तो आशीर्वाद ही काफी है। दे! ना हो ना बिकल, हमें नाज कैसे होगा, बिना ताज के शुभ है, राज कैसे होगा। ये बिना ताज के सुबह राज कैसे होगा, तो राम ने पूछा कि माँ वो फिर असली ताज कहाँ है। मुकेश पंडित जी असली ताज कहाँ है, तो रानी कह कही कहने लगी दे सच में बता दूं तो, सच में बता दूं तो बन जाऊं बुरी में, सच में बता बन जाऊं बुरी है, सच में बता तू तो बन जाऊं बुरी है, सच में बता दू तो बन जाऊं बुरी में। और हे राम अबध काबो राम ताज, अबध काबो राम ताज है पंपापुरी में, अबध काबो तो माँ वो ताज कैसे आएगा। वन बेटा मेरे दो वरदान हैं तुम्हारे पिताजी पे, मैं उन दोनों वरदानों को मांगूंगी जब वो ताज अवध में आएगा।
है कठिन समस्या, है कठिन समस्या, पूरा काज कैसे होगा। है कठिन समस्या, पूरा ताज कैसे होगा। बिना ताज के सोवे राज तिलक की राम, राज तिलक की राम, बात अब फंसी है। राज तिलक की राम, बात अब फंसी है। राज तिलक की राम, बात अब फंसी है। बिना ताज अभिषेक तो है जाए हंसी है। सर ताज कैसे होगा। पास में नहीं है तो सर ताज कैसे होगा। अरे पास में नहीं है तो सर ताज कैसे होगा। बिना ताज के निस्तारण कैसे होगा। अब कहने लगी के कई राम तेरी खातिर हो, राम तेरी खातिर हो, निडर मांग लूंगी। राम तेरी खातिर हो, निडर मांग लूंगी। राम तेरी खातिर हो, निडर मांग लूंगी। अपने में पर से दो बर मांग लूंगी। अपने में पर से दो बर मांग लूंगी। पर मांगने में फिर, पर मांगने में फिर लिहाज कैसे होगा। बिना ताज के सुबह राज कैसे होगा, राज कैसे होगा। अंतिम मंद गीत का हर चीज का माहौल होता है। अबध में वो आवे हे राम, अवध में वो आवे ताज, वो पूरे दिल के अरमा। अवध में वो आवे ताज, वो पूरे दिल के अरमा। अवध में वो आवे ताज, वो पूरे दिल के अरमा। जब राम बने सर ताज, कहे सीपी शर्मा। संगम सारे सुखों का संगम साज कैसे होगा। सारे सुखों का संगम साज कैसे होगा। बिना ताज के राज कैसे होगा।
और दूसरा की सुनेंगे, ये दिल देता है रो रो दोहाई किसी से कोई प्यार ना करे। ओ सर बजाओ। दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। किसी से कोई प्यार ना करे बेटा। ब्रजकिशोर हर गाने वाले का अंदाज गौरव कौशिक जी अलग होता है। हाँ जी देवेंद्र मासा के छत पे रोवे देखो सजनिया, छत पे रोवे देखो सजनिया, सजना को भा गई वो सौतनिया, सजना को भा गई वो सौतनिया। अरे दिल देता है, अरे दिल देता है रो रो दोहाई किसी से कोई सीखी। मुकेश पंडित रसियाबाजी में एक बात सीखी, जनता जनार्दन में हर मर्ज का व्यक्ति होता है। क्यों? ये किसी को लटका फटका पसंद है और किसी को भारी भरकम बात पसंद है। जैसे कि विवाह की दावत में किसी को रायता पसंद है और किसी को आलू गोभी की सब्जी पसंद है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, मगर मेरा कहना क्या है, एक दिन सोने के सिंहासन पर विराजमान, एक दिन सोने के सिंहासन पर विराजमान, एक दिन आटे में ना नमक को पैसा है, एक दिन आटे में ना नमक को पैसा है, एक दिन आटे में ना नमक को पैसा है। और बेटा हार ये ना हिम्मत बिसार ये ना राधे श्याम, आज दिन ऐसा है तो कल दिन कैसा है, आज दिन ऐसा है तो कल दिन कैसा है, आज दिन ऐसा है तो कल दिन कैसा है। कहना है ना अपनों से, अरे ना अपनों से करे बेवफाई, ना अपनों से करे बेवफाई, अपनों को कभी गैर ना करे,
अपनों से करे बेवफाई, अपनों से कभी देर ना करे। क्यों भाई, आज एक बंदा बदायूं चला गया और दूसरे बच्चे से कहा कि मैंने बेटा आज का कार्यक्रम है, वनगुरु आपकी सेवा जरूर होगी। तो कहना है ना, अपनों से करे बेवफाई, अपनों को कभी गैर ना करे। तो अरे दुश्मन बन जाए, अरे दुश्मन बन जाए, मा जाया भाई भाई से कभी। ये तीनों गीतों में से YouTube पर नहीं सुना होगा। दुश्मन बन जाए मां जाया भाई, भाई से कभी बैर ना करे। क्यों कि उसी भाई से एक ना एक दिन उस व्यक्ति को ये काम पड़ जाता है। कहना क्या है, अरे बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल के, बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल के, बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल के। और चचा, अरे भाई को दुश्मन माना मन में विचार के, भाई को दुश्मन माना मन में विचार के। राम से कहा कि मेरे भाई ने मेरी घरवारी लूट ली है, मान कि मेरी गारंटी है कि ये सुग्रीव ये तेरी घरवाली को तेरे हवाले कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, देख चाकू छिप करके, अरे चाकू छिप करके मारो रघुराई दुश्मन पे कभी। सुग्रीव आया गौरव पंडित जी, और दूसरा भाई देखो, लात मार रावण ने विभीषण ने का लात मार भी ये लात मार रावण ने विभीषण ने कार दिया। अरे लात मार रावण ने, लात मार रावण ने विभीषण ने काला, विभीषण ने रावण का काल बता डाला, विभीषण ने रावण का काल बता डाला। भगवान राम रावण पे बाण छोड़ रहे हैं, रावण की मृत्यु नहीं हो रही। राम ने कहा कि हे विभीषण, ये रावण तेरा भाई है, इसकी मृत्यु कैसे होगी। विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, इस रावण की नाभि में अमृत है, जब तक तुम अमृत को नहीं सुखाओगे तो रावण की मृत्यु नहीं होगी। तो अरे दयो नाभि में, अरे दयो नाभि में अमृत बताई भाई पे भाई धैर्य ना। तीसरा भाई देखेंगे, अरे घर से वो पांचों पांडव निकारे न जाते, घर से वो पांचों पांडव निकारे न जाते, घर से वो पांचों पांडव निकारे न जाते। गांधारी के सो पुत्र मारे न जाते, गांधारी के सो पुत्र मारे न जाते। वहां क्या हुआ,
अरे चाल सकुनी ने, अरे चाल सकुनी ने ऐसी फसाई ऐसों की ओर पैर ना और चचा गीत का अंत मन मेरा कहना है, अरे भाई जो भाई का, भाई जो भाई का साथ देता पूरा, ए भाई जो भाई का साथ देता पूरा, और भाई बिना इस जग में है भाई अधूरा, भाई बिना इस जग में है भाई अधूरा। तो सीपी शर्मा से गुरु दीक्षा पाई, विरोधी कभी चलते चलते मां साहब धुन बजाएंगे के ये तू चोना लाए और सोने की तगड़ी मंदिर में जोगनिया लांगुर से झगड़ी। जे भैया कौन सा वक्त तैरो है, जे कौन सा वक्त तैरो है, अब बज रहे हैं 2:45 और यहाँ ते आ गए होगो सवेरो। ओ भैया सवेरो होगो तो काका होगो, काका होगो बहुत कछु हो गए हो। अच्छा बहुत कछु होगो, जे हमारो भैया रसिया गावे 2-3 किलोमीटर ते आ गो, यहाँ रसिया गावे 2-3 किलोमीटर ते आ गो, मगर जे घर को इंतजाम करके ना आयो ना, मां घर का है रोए। हाँ भैया जे घर को इंतजाम करके ना आयो, अब जाके घर है का रोए। हाँ बता दियो, और जे वक्त कौन सा है, कोई लेके सोए गयो, अरे कोई लेके सोए गयो और कोई बाट में जग रहे हो है, ये कोई लेके सो गयो, कोई लेके सो गयो और कोई बाट में जग रहे हो है। 101 रुपए का आशीर्वाद रोशनलाल बाबा की ओर से आता है, मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ साहब। हाँ जी गुरुदेव, ये वक्त कौन सा है, लेके सो गयो कोई बाट में जग रहे हो है, अरे कोई लेके सोए गयो, कोई लेके सोए गयो और चाचा बाट में जग रहे है, और हकीकत क्या है, कोई बाट में जग रहे है,
और सब तो शास्त्री के यहाँ कह रहे हो या की मम्मी के संग पापा या की मम्मी के संग पापा घर खाट में लग रहे हो भैया रसिया गावे आगो या की मम्मी के संग पापा घर खाटों में लगे रहो है। अब कहना क्या है देख कोई झुक झुक के राजी कोई झुक झुक के राजी तो कोई झुक झुक के राजी और कोई भाड़े पे दे रही है कोई झुक झुक के राजी कोई भाड़े पे दे रही है और सत्तो शास्त्री की मम्मी घर ठाड़े ते ले रही और चाचा गाँव पे एक संग दो दो गाँव पे एक संग दो दो और कोई नैन निहार रहे हो गाँव पे एक संग दो दो और कोई नैन निहार रहे हो और दूसरो भैया गारो काओ गुल्ला वो तो जाए अंधेरे में चाचा मुट्ठी मार रहे हो हंसी मुस्कुराहट चेहरों पे आ गई मगर गाने का भावार्थ क्या है कोई झुक झुक के राजी बेटा कोई लेके सोए गयो बताओ को नाम हरिओम नमः शिवाय कोई लेके सोए गयो और चाचा बाटो में जग रहे हो क्यों सुबह के चार बजेंगे वही राधे रानी को नाम लोगो और या की मम्मी के संग पापा घर खाटो में लग रहे हो माला फेर रो माला गलत काम ना है कोई झुक झुक के राजी के हे राधा रानी दो छोरा तो है गए मुँह पे एक छोरी हो रह जाए कोई भाड़े पे दे रही है गोवर्धन की परकम्मा सत्तो शास्त्री की मम्मी मठाड़े ते ले रही आले रही है प्रसाद यार प्रसाद हाँ दान घाटी में प्रसाद और गाँव पे एक संग दो दो और कोई नैन निहार रहो कौन के अरे कजरारे मोटे मोटे तेरे ने अरे नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ये काऊ पे एक संग दो दो कोई नैन निहार रहे हो वो जाए अकेले में चाचा मुट्ठी मार रहे हो हरिओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय ओ अरे कोई सुबह सांझ दोपहर कोई सुबह सांझ दोपहर के कोई सुबह सांझ दोपहर कोई सुबह सांझ दोपहर अरे कोई सुबह सांझ दोपहर और परटाट में पग रहे है और जाकी मम्मी के संग पापा घर खाट में लगे घड़ी कर रही है समय का इशारा और जिंदगी रही तो मिलेंगे बीजेपी तो
बिल्कुल सही करे गलत ही कहे भाइयों बहनों, जितना भी काला धन है उसको दो और तुम कंगाल ले जाओ माला माल ले जाओ। बिल्कुल कर रही है बीजेपी और क्या करेगी। देखिए जनता जनार्दन भी नहीं है और मौसम भी ठंड का है और आपको भी ठंड लग रही है तो भैया हम इंसान है, हम ठंड लग रही है। यही कार्यक्रम को युद्ध विराम किया जाता है मेरे भाई की तरफ से। इस कार्यक्रम की